2023 predictions for the personal year 7, 8 and 9. ये third part है. इसके अलावा predictions for personal year 1, 2 and 3 and 4, 5 and 6 के दोनों parts already मैं डाल चुकी हूँ channel पे. तो जिनको उसके बारे में देखना है वो वहाँ जाकर देख सकते हैं. I'm a mother, teacher, guide and a friend and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaste. Welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik and thank you so much for this beautiful, 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 beautiful abundant family. आज ये परिवार half a million का हो गया. Yes, we are 5 lakhs. It's just unbelievable. Unbelievable. Just because मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कल ही तो शुरू किया था. मतलब कैसे ये 2 साल गुजर गए समझ ही नहीं आया. और सच मानो मेरी तो इतनी सी मेहनत है क्योंकि मैं थोड़ी सी मेहनत करती हूँ, उस स्क्रिप्टिंग करती हूँ, उसके बाद मैं प्लानिंग करती हूँ और मैं आपके पास कंटेंट लेके आती हूँ. लेकिन सबसे बड़ा मैं कहूँगी थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू जो इस चैनल का हिस्सा बनते हैं, इसका पार्ट बने हैं. और आपकी लाइफ में जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा भी चेंज आ रहा है ना, उस चेंज की बदौलत जो आप कॉमेंट बॉक्स में आके कॉमेंट्स करते हैं ना, अल्फाज नहीं है. सच में निशब्द हूँ आज उसका धन्यवाद दिल से, तहे दिल से. आज आई वॉज वेरी वेरी इमोशनल, वेरी इमोशनल. मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना सारा प्यार आप लोग दोगे. इट्स लाइक अनबिलीवेबल. थैंक यू टू यू, थैंक यू टू ऑलमाइटी फॉर टेकिंग मी फॉरवर्ड. और इस वजह से और ज़्यादा जोश आता है, और ज़्यादा जुनून आता है और जज्बा आता है कि हाँ बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ कर सकते हैं. अब हम आते हैं क्विकली आई विल टॉक अबाउट योर पर्सनल ईयर नंबर्स. पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डेट एंड मंथ. जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था, फिर से तीसरी बार दे रही हूँ. 21 नवंबर, नवंबर का 11/21 इज़ द डेट, 21st इज़ द डेट. और 2023 में देखना है तो हम लास्ट की दो डिजिट्स लेंगे. बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं हमने पूरा साल क्यों नहीं लिया, हमने इतना. हर किसी का अपना मेथड होता है और हर कोई वो मेथड लेके चलता है जो उसने बार बार प्रैक्टिस करके उसमें कामयाबी हासिल की होती है. बिकॉज न्यूमरोलॉजी के लिए भी बहुत सारे तरीकों से न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाती है और किसी भी चीज़ की इंटरवेंशन या उसको इंटरप्रिटेशन हर किसी की अलग अलग होती है, राइट. सो आप लास्ट के दो डिजिट्स लेंगे, 2023 का 23 लेंगे. तो क्या हुआ, 11th इज़ द मंथ, 21st इज़ द डेट, 2-3 इज़ द ईयर जिसकी मैं प्रडिक्शन चाह रही हूँ. तो इनका जब मैं टोटल करती हूँ और मैं अगले साल 2023 में मेरा जन्मदिन 21 नवंबर को पड़ता है ट्यूसडे, ट्यूसडे का नंबर है 9, बाकी सब डेज के नंबर मैं क्विकली दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, रुकना नहीं. तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर एक किसी का एक प्लैनेट से रिलेटेड नंबर है वो दे रखा है, आप वो ले सकते हैं. इसको टोटल करेंगे, टोटल करके आपकी दो डिजिट में आए या 3 डिजिट में आए उसको आपने सिंगल डिजिट में लेके आना है. और सिंगल डिजिट जो होगा वही आपका नेक्स्ट ईयर का नंबर होगा और सिंगल डिजिट 1-9 के अंदर ही आएगा. हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे 11 का क्या करना है, ऐसे में 11 को 2 में बनाना है हमने, क्योंकि आपकी बर्थ डेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्लियर. चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं नंबर 7 पे. अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 7 है, जो कि इस साल का भी नंबर 7 है, आप जानते हैं 7 नंबर किससे गवर्नड है, केतु से गवर्नड है, स्पिरिचुअलिटी से गवर्नड है, मतलब एक अलग ही टैंजेंट पे है. तो इस साल बहुत सारे लोग एक्चुअली शेकअप होने वाले हैं. और जो नंबर 7 वाले लोग हैं ना, आपके साथ तो कुछ अलग ही अजीबो गरीब चीज़ें होंगी. घबराओ नहीं, घबराओ नहीं. अजीबो गरीब चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि मतलब धरती ऊपर से नीचे हो जाएगी, नहीं. लेकिन आप अपने इनर सेल से इतना ज़बरदस्त तरीके से जुड़ेंगे जो आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे. ये साल अगर आप नंबर 7 से रिलेशन रखते हैं, यानी आपका पर्सनल ईयर नंबर 7 है, तो स्पेशली वो लोग जो कि एस्ट्रोलॉजी में हैं, जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जो हीलर्स हैं, जो ऑकल्ट साइंस पीपल हैं, इन सब के लिए तो बहुत ही अच्छा होने वाला है. बिकॉज ये सारी चीज़ें हमें वापस कहाँ खींच के ले जाती हैं, हमारे हायर सेल्फ की तरफ, हमारे हायर रेलम की तरफ. तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप बहुत सारे लोग अपना मेंटल वर्क ज़्यादा करोगे, मेंटली आप एंग्शियस भी रहोगे और मेंटली आप बहुत सारा काम करोगे, थॉट प्रोसेस आपका बहुत हाई जाएगा. और मोर देन द फिजिकल वर्क, फिज़िकल वर्क के बनिस्बत आप मेंटल वर्क ज़्यादा करोगे. आप बहुत से क्वेश्चंस पूछोगे, मतलब हर चीज़ के लिए आपके अंदर आएगा ऐसा क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता. या आप बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन करोगे जो आप रिलीजियस नॉर्म्स फॉलो करते आ रहे हैं या चलते आ रहे हैं, उनके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होगा. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, ये ईयर है जैसे मैंने आपको बताया, अपनी स्पिरिचुअल
अवेकनिंग से, आपकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ से, जर्नी से, तो देर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये पॉसिबल है कि आप एक साल में एक या दो किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाके टाइम स्पेंड करें, जैसे किसी आश्रम में जाके टाइम स्पेंड करें, किसी बड़े गुरु के साथ जुड़ें और उस संस्था के साथ जुड़ें और उस संस्था में जाके कुछ काम करें या कुछ सीखें और अपनी रैलम को इम्प्रूव करें। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, आप डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आप कुछ कुछ चीज़ें ऐसी स्टार्ट कर रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं की थी। जैसे आप स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप हो सकता है कि आप जर्नलिंग स्टार्ट कर दें, हो सकता है कि आप रात को ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर दें, हो सकता है आप एफर्मेशंस पढ़नी और लिखनी शुरू कर दें, हो सकता है आप अपना एक विजन बोर्ड बनाएं जिसमें आपने अपनी एफर्मेशन स्टेटमेंट्स लिख रखी हैं वो कहना शुरू करें। समवे डाउन दी लाइन आपको लगेगा कि हाँ, ऐसी चीज़ों में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ जो मैंने पहले नहीं की थी या इतनी शिद्दत से नहीं की थी, नॉलेज तो थी बट मैं कभी उसको इतने ध्यान से इंप्लीमेंट नहीं कर पाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आप बहुत हद तक अपने मेडिटेटिव स्टेट में जाने आसानी से लगेंगे। अगर आपको कभी डिफ़िकल्टी भी आती होगी तो आपको लगने लगेगा कि हाँ, अब मेरे लिए मेडिटेशन होनी आसान हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज़ कि आपका सर्कल रिड्यूस होगा, यानी अगर आपका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है या आपके बहुत जान पहचान के लोग हैं या बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं, बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं, आपके घर आते हैं, आप उनके घर जाते हैं, तो आपको रियलाइजेशन होगा कि बहुत सारी चीज़ें कम होने लगेंगी। जैसे यानी आपका सर्कल सिकुड़ने लगेगा, बहुत से लोग छूटने शुरू हो जाएंगे आपके, आपको लगेगा थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम आ रहा है, यार ये इंसान जो मेरा इतना पक्का दोस्त था, इतने टाइम से सुनता था, अब इसको समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात, अब ये मेरी बातों से हमारी बहस क्यों हो रही है या हमारी आपस में बन क्यों नहीं रही है या हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों क्रिएट हो रही हैं। वो इसलिए क्रिएट हो रही हैं क्योंकि आपका रेलम ऊपर हो रहा है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जब हम ऊपर के रेलम में जाने लगते हैं तो जो लोग अभी उस जर्नी पे नहीं है, यानी उस पाथ पे नहीं है, जिनकी समझ अभी वहाँ तक नहीं है, वो अपने आप पीछे पीछे होके हटते चले जाएंगे या छूटने लगेंगे और वो शायद आपको तकलीफ दे सकती हैं चीज़ें, बिकॉज आपने उनके साथ काफ़ी सारा समय बिताया है। आपको इस टाइम पे बहुत, मैं सजेशन ये दूंगी कि आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना है और डिस्टर्ब नहीं होना, इन चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है। और कहते हैं ना, जब भी ग्रोथ होती है, इंसान जब भी स्पिरिचुअली ग्रो करेगा तो वो तकलीफ़ और दर्द होगा, वो पेन होगा, उसके बाद ही ग्रो करेगा। हंसते खेलते स्पिरिचुअली ग्रो करना मैंने तो अभी तक किसी को देखा नहीं। अब मैं आती हूँ बहुत सारी एडवाइजेज़ लेके जो आपके लिए स्पेशली ज़रूरी हैं। नंबर वन, आपको एनर्जी अपनी यूटिलाइज़ कहाँ करनी है, मेडिटेशन में और लेटिंग गो में। देखो, जब जब तकलीफ़ होती है ना तो हमें उसके लिए हम ढूंढते हैं कि ऐसा क्या करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन जो कि मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड है, जब भी आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठेंगे आपको अच्छा लगेगा, आपको आराम मिलेगा, आपको लगता है अगर मेडिटेशन नहीं होती तो आप कोई भी चैंट, कोई भी मंत्रा, कोई भी धुन, कोई भी साउंड, जैसे वाटर की साउंड, रिवर की साउंड, रेन की साउंड, ऐसा वाला कोई भी पीस लगा सकते हैं। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं वहाँ की कोई भी हिम, कोई भी प्रेयर्स, कोई भी चैंटिंग, कुछ भी आप लगा सकते हैं और वो थोड़ी देर शांति से सवेरे और शाम के टाइम सोने से पहले अगर आप सुनेंगे आपका मन बहुत शांत होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हर फुल मून पे आप लेटिंग गो रिचुअल करेंगे, आप तभी ऊपर जा पाएंगे। लेटिंग गो का मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी है और उससे रिलेटेड मेरी चैनल पे बहुत प्यारे वीडियोस हैं, फुल मून से रिलेटेड वीडियोस हैं जहाँ मैंने लेटिंग गो एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो आप उनमें से कोई भी वीडियो दोबारा देख सकते हैं, बट आपको ये करना ज़रूरी होगा, ओनली देन आपको सांस आएगा, मतलब इत्मीनान आएगा, अदरवाइज रेस्टलेसनेस बढ़ सकती है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना है और पेशेंट रहना है, मतलब पेशेंस आपको दिखानी है। आपको अपना जो आपका ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रहेगा ना लाइफ के प्रति, उससे शायद आप हायर रेलम से समझ पाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, नीचे अगर हम खड़े हैं, बहुत सी भीड़ है, कुछ कुछ हो रहा है, तो हम सोचते हैं समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ये कहते हैं ना पानी गदला पानी है तो नहीं दिखता कुछ भी अंदर क्या है। लेकिन सिमिलरली जब हम ऊपर के रेलम पे, मतलब हम फर्स्ट फ्लोर पे जाके खड़े होकर देखने लगते हैं, तो समझ में आता है कि ओ ये सिचुएशन है, यहाँ प्रॉब्लम है, ये ठीक है, ये सही नहीं है, मतलब हमें क्लैरिटी आती है थॉट्स की। सिमिलरली उस पानी को जब ठहरने देते हैं तो गदला पानी भी जो है वो
आराम से बैठ के क्लेंज हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो हमें क्लैरिटी में दिखाई देता है कि कहाँ क्या चीज़ है, राइट। ये ही बहुत ज़रूरी है आपके लिए, दैट योर फ्रेम ऑफ माइंड नीड्स टू बी वेरी 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 यू नो लिटरली शांत वाली वर्ड यूज़ करूँगी, उसमें आपको अपने आप को प्रिक करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी डिफ़िकल्टीज आएंगी ना, जो आपकी बहुत वाली कहूँगी कि बहुत अच्छी वाली फ्रेंडशिप्स या क्लोज़ रिलेशनशिप में नहीं समझ पा रहे हैं दूसरे लोग आपको, ये जो डिफ़िकल्ट फेज़ है, ये टेस्ट होते हैं हमारी लाइफ में। जब भी हमें पुश करना होता है ना, ईश्वर ने आगे लेके जाना होता है लाइफ पाथ में, तो वो इस तरह के टेस्ट क्रिएट करते हैं देखने के लिए कि ये समझ पा रहा है कि नहीं, ये उस जर्नी और पाथ में जा पा रहा है कि नहीं। जो मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कितने सारे आप में से लोगों से कनेक्ट कर पाऊँगी, कितने सारे लोग इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस जब तक हम नहीं करते, तकलीफ़ का एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक तकलीफ़ क्या होती है वो समझ में नहीं आता, सुनने में नहीं समझ में आता। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका भी ईयर नंबर 7 है, बी प्रिपेयर्ड टू ग्रो स्पिरिचुअली, एंड दिस इज़ गोइंग टू गिव यू योर लाइफ पर्पज़। और ना जस्ट लाइफ पर्पज़, आपको लगेगा सुकून मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा, यार मैं इतने साल तक किस कश्मकश में था या किस कश्मकश में थी, और बहुत क्लैरिटी रहेगी। और अब सच मानो, ऐसा लगेगा वाओ, मतलब बहुत ही अच्छा टाइम शुरू हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो जब ये फीलिंग आने लगे, समझ जाना कि आपने अपना काम पूरा कर लिया है। आज आई एम सॉरी, ये नंबर 7 का थोड़ा लंबा हो गया, और मैं इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि आपकी टेस्टिंग टाइम है इस साल में, तो निकल जाओगे आप आराम से, और आप आई एम वेरी श्योर कि आप उनमें से निकल के और अपने आप को हायर रेल्म में पाओगे। और साल के एंड होते होते यकीनन आप यहाँ आओगे, उस वीडियो के नीचे ज़रूर लिखोगे कि मैम थैंक यू फॉर गाइडिंग अस बिफोर हैंड। हम जिस चीज़ को ना समझ पाते, शायद इस वीडियो की वजह से हमने अपने दिमाग के ढक्कन पर्दे सब खुले रखे, और वी वर रेडी टू एम्ब्रेस स्पिरिचुअलिटी इन टू आर लाइफ। तो पर्सनल ईयर नंबर 8 वाले लोगों की तो बड़ी, मतलब कहते हैं ना, मस्ती वाला टाइम शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी आपने एफर्ट्स किए ना लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर, 2 साल से आप बहुत कर रहे थे, रिवॉर्ड्स आ रहे थे, थोड़े से कम आ रहे थे, वो सारे रिवॉर्ड्स इस साल आपकी झोली में भर भर के भगवान जी ने देने हैं। नंबर 1, यू विल एक्सपीरियंस द फ्रूट्स ऑफ वॉट एवर यू हैव सोन इन द पास्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ज़बरदस्त मटीरियल एक्सपेंशन है आपका, आपकी चीज़ों में, आपके सामान में, आपकी लग्जरीज़ में, आपकी लाइफ में, मतलब मटीरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें हैं, गाड़ी, बंगला, सामान, कपड़े, जेवर, इन सब चीज़ों में अच्छा वाला, मतलब अच्छी वाली मज़ेदार इनकम होने वाली आपकी। बिजनेस है, वेल्थ है, ये सब इंक्रीज़ होगी, बहुत अच्छे से इंक्रीज़ होगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप बहुत पावरफुल फील करोगे अपने आप को, और आपको लगेगा कि हाँ, जो इतने साल से मैं चाह रहा था या चाह रही थी, वो अब पूरा हो रहा है, बहुत अच्छे से पूरा हो रहा है। सो यू विल फील वेरी वेरी पावरफुल। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके कोई लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे थे, वो ख़त्म हो जाएंगे इस टाइम, आपको उन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका माइंड सेट है ना, वो थोड़ा सा पंप अप हो जाएगा, यानी आपको लगेगा आई वॉन्ट वॉट आई वॉन्ट एंड आई गेट वॉट आई गेट। कई बार क्या होता है कि हम जब कुछ चीज़ लेने लगते हैं, लेते लेते हम इतने वो ओवर हैप्पी हो जाते हैं कि हाँ बस मैंने तो कहा और हो गया। जबकि आपसे एक वार्निंग दूंगी मैं, बहुत बार जब हमें कहते हैं ना भगवान, मैंने कहीं पढ़ा था बहुत सुंदर लाइन्स, जब भगवान हमें देता है ना बहुत सारा एक्स्ट्रा में, तो आपको जो आगे देना है ना वो भी बढ़ा दो, यानी इंस्टेड ऑफ होल्डिंग इट, यू शुड बी एबल टू गिव ऑल्सो, तो वो चैनल चलती चली जाएगी, वरना ब्लॉकेजेस आने के बहुत चांसेस हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ यू हैव टू एम्ब्रेस द आइडियाज़। आपके दिमाग बहुत फर्टाइल रहने वाला है, बड़े सारे आइडियाज़ आएंगे, क्योंकि आप जब काम में बढ़ोतरी देखते हैं तो दिमाग में आइडियाज़ भी बहुत सारे आते हैं, अच्छा चलो ये ट्राई करते हैं, ये ट्राई करते हैं। तो वो जब आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, तो आप एम्ब्रेस करो उन्हें, वेलकम करो उन आइडियाज़ को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी पेशेंस टेस्ट होएगी, आपकी लीडरशिप स्किल्स टेस्ट होएंगी, और आपकी इंटीग्रिटी टेस्ट होएगी। क्यों? जब बहुत ज़्यादा आ जाता है ना अथाह, तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है अक्सर। तो आपको ध्यान रखना है, इस टाइम जब आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आप किस तरह से चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। अब मैं आती हूँ इम्पॉर्टेंट एडवाइजेस या एरियाज़ ऑफ कंसर्न, जहाँ आपको ध्यान देना है। नंबर 1, ओवर अटैचमेंट मटीरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं करनी।
अच्छी बात है आपके पास, भगवान करें आपके धन धान्य भरे, भगवान करें आपको अबंडेंस भर भर के आए, लेकिन होड़ नहीं रखनी, जोड़ जोड़ के नहीं रखना। मैंने कहा ना आपको वो साइकिल चालू रखनी है तभी सब कुछ होता। अगर आप अपने लिए 10% सोचते हो तो 5% आप दूसरे के लिए भी सोचोगे। थंब रूल जो मैं फॉलो करती हूँ और हमेशा सबको कहती हूँ, जो मैंने सिद्धार्थ राजशेखर से सीखा था, वो 10% रूल की बात करता है कि आपकी पर मंथ में जो भी आपके पास आया है उसका अगर आप 10% चैरिटी में देते हैं, किसी भी तरीके की चैरिटी में, तो आप अपने आप को बेनिफिटेड पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड यकीन मानो वाकई में अच्छा लगेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे। आपको बैलेंस्ड अप्रोच से चीज़ें देखनी है, आपने लॉप साइडेड नहीं होना। 8 नंबर इन्फिनिटी का नंबर भी होता है, 8 नंबर 2 सर्कल्स का नंबर भी होता है, तो हो सकता है आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश में लगे रहें, बट आपको ध्यान देना है इस चीज़ का कि यू हैव टू कीप द बैलेंस, ओके, इन योर लाइफ एज वेल एज इन योर प्रोफेशन। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सक्सेस विल कम ईजिली वेन यू स्लो डाउन। जब आप मतलब अंधाधुन भागोगे नहीं, थोड़ा सा स्लो डाउन करो, उस सक्सेस को इन्जॉय करो, सबके साथ मिलके चेरिश करो, उसके लिए जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनको वो रिस्पेक्ट दो, उनको वो प्यार दो, और फिर देखना फिर कमाल क्या होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दोज पीपल हु हैव देयर पर्सनल ईयर नंबर 8। और हाँ, चलते चलते सेहत का ध्यान रखना, हो सके तो अपनी डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल जूसेस ज़रूर ऐड कर लेना, क्योंकि आप वैसे ही कूदते रहोगे बहुत ज़्यादा काम में, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 9 नंबर कब आता है? 9 इज़ दी टूवर्ड्स दी एंड, लास्ट में आता है ना। तो हमने इतनी सारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी किए हुए होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, तो अगर हम 9 नंबर की बात करेंगे तो आप मान के चलिए ये साल आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स हैं, जो आपने इच्छाएं की हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। नंबर 2, बहुत सारी चीज़ों में आपको कंप्लीशन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी और गुड फॉर्चून भी मिलेगा, विच इज़ अगेन वेरी वेरी गुड। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे अनफिनिश्ड बिजनेसेस जो थे आपके, जिनको कंक्लूजन्स नहीं हो रहा था या इनकम्प्लीट पड़े थे या कुछ पेंडिंग चीज़ें पड़ी थी या पेंडिंग केसेस थे, कुछ भी था, वो सब खत्म होने लगेगा और आपको लगेगा अब कंफर्टेबल रेजोल्यूशन हो रहा है हमारे पास चीज़ों का। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जो अगर आप में से वो लोग जो पढ़ने के शौकीन हैं, रिसर्च में हैं, मेडिसिन में हैं, सर्जरी में हैं, इन सब लोगों के लिए स्पेशली बहुत सा अच्छा साल जाएगा आपका। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको दुनिया में बहुत से लोग, ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और आपको एज ए रोल मॉडल पहचानेंगे और आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, यानी आपका दायरा बढ़ेगा, आपके फ्रेंड्स का दायरा बढ़ेगा, आपका सर्कल बढ़ेगा। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, लोग आपको ध्यान से देखेंगे, तो अपनी कथनी और करनी में फ़र्क मत करना। ये एक छोटी सी एडवाइस भी है, क्यों? जब कहते हैं ना हम अपने आप को खुद से देखते हैं, यानी हम अपने कर्मों को, अपने काम को, सबको देखते हैं, तो हमें पता रहता है अंदर क्या गलत है और क्या सही है और हम किस किस रास्ते पे हैं। लेकिन जब हमें और बहुत से लोग देखने लगते हैं तो वो आपको छोटी छोटी चीज़ों को माइन्यूटली गौर करते हैं, ना केवल वो, सबसे पहले तो आपके घर में आपके अपने बच्चे, आपके आसपास सब लोग वो देखते हैं, जो ये कह रहा है या कह रही है क्या वो घर में फॉलो करते हैं या क्या ये अपने जीवन में वैसे हैं। तो कोशिश करिएगा उन दोनों के अंदर बैलेंस या तालमेल बिठा के रखने की, यानी दो तरफा ज़िंदगी मत बिताने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, आपको बहुत से फेवर्स मिलेंगे, गवर्नमेंट से भी फेवर्स मिल सकते हैं और जो आपके बॉसेस हैं ऑफिस में या वर्क प्लेस पे या घर में बड़े बड़े बुजुर्ग हैं उन सब से आपको फेवरेबल, मतलब कहते हैं ना एक इंसान जिसके ऊपर थोड़े से ज़्यादा फेवर्स किए जाते हैं, उस तरह का आप इंसान बनेंगे, क्योंकि आप अच्छा काम करते आए हैं, तो यू विल बी रिवॉर्डेड दिस ईयर। 8th इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपको क्योंकि ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो आपको क्या करना है, बहुत ज़रूरी, आपको क्लटर क्लियर करना है। क्लटर मतलब ऑल दोज थिंग्स जो सर्व नहीं कर रही पर्पस, क्योंकि दिस इज़ द ईयर ऑफ एंडिंग फॉर यू। 9 इज़ द नंबर ऑफ एंडिंग, सो एंडिंग के टाइम में हमेशा ध्यान रखना, जितना हो सके वो क्लटर जो काम नहीं आ रहा आपके, उसको आपको साइड करना है, निकालना है, हटाना है, तभी जाके आप बाकी चीज़ों के लिए स्पेस क्रिएट करोगे और उनको इंजॉय कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं या किसी जॉब में प्रमोशन के लिए आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको बहुत सारी सक्सेस मिलेगी। अब हम आते हैं एडवाइस पे और कॉशन पे। नंबर 1, आप लोगों को डाउट नहीं करेंगे, ठीक है,
मैं जानती हूँ कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बट आपके अंदर एक एक ये प्रॉपर प्रॉब्लम है ना, जो ये आप डाउट करते हैं, इस डाउटिंग वाली चीज़ को प्लीज़ साइड कर दीजिएगा। हर किसी इंसान का अपना लाइफ जर्नी और पाथ है, हमें नहीं करना डाउट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप दुनिया बदल नहीं सकते हो। आपका दिल तो करता है कि मेरे हाथ में चाबी हो तो मैं बदल दूँ, लेकिन आप दुनिया बदल नहीं सकते हो। जैसे मैंने पहले बोला ना, सबका अपना पाथ है, ऐसे सबके लिए अपनी ज़िंदगी में चीज़ें पूरी करने के लिए हैं। सो प्लीज़ अवॉइड चेंजिंग द वर्ल्ड एज़ वो नहीं देख रहे जो आप देख रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए, वो नहीं देख रहे जो आप देख रहे हैं, तो आप ज़बरदस्ती क्यों दिखाना चाहते हैं? हो सकता है एक पेंटिंग में आपको झरना नज़र आ रहा हो, उनको पहाड़ नज़र आ रहा हो, किसी और को सूरज नज़र आ रहा हो। लाइफ में सिमिलरली सबकी अपनी अपनी थिंकिंग एंड लाइकिंग होती है ना, डोंट ट्राई एंड चेंज देम, जस्ट चेरिश व्हाट यू आर गेटिंग। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, परफेक्शनिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप मानते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं अपने काम में, लेकिन अगर आप परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए नो वन इज़ परफेक्शनिस्ट एवर इन द वर्ल्ड, कोई भी नहीं है। सब में कहीं ना कहीं, हम सब में कहीं ना कहीं कमियां हैं और हम उन कमियों पे काम करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडवाइस फॉर यू फॉर दिस कमिंग ईयर इज़, चीज़ों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो मत करिएगा। मतलब राई का पहाड़ नहीं बनाना है। अगर गलती किसी से हो गई है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने हाथ में लाउड स्पीकर लेके और दुनिया को बताना है कि इसने ये गलती करी है। गलतियाँ हम सबसे होती हैं, इट्स ओके, फॉरगेट एंड फॉरगिव, दैट शुड बी द मंत्रा फॉर यू। सो ये हो गया जी टोटल 9 तक का पूरा। थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू, और खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आने वाला साल आप सबके लिए बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स लेके आए, आपको अंदर से जागृत करे और आपके अंदर और अच्छे विचार आए और आप अपने आप को अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओ। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू सो मच।